अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सुबा स्टाइल। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। अगर आप लोग की शर्ट की लेंथ कम है तो आप लोग ये वाला डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। इससे आपकी शर्ट की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी और शर्ट की लुक भी बड़ी प्यारी आएगी। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर फैब्रिक लेना है 2.5 इंच चौड़ाई में और लंबाई अंदाजे से ही ले लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास जितना लंबाई में फैब्रिक था मैंने उतनी ले ली है। अब हमने इस फैब्रिक को फोल्ड करना है और 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इस फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लेना है। अगर ये पट्टी कम पड़ गई तो फिर हम और ऐसे ही पट्टी लेंगे और उसे भी फोल्ड करके इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर डबल टांका लगाना है और फिर सुई को उल्टा करके इस फैब्रिक में से गुजारना है। ये वाला जो फैब्रिक है ये आप सिंपल फैब्रिक से ये सारा डिज़ाइन बनाइएगा। अगर आप लोग की एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट है तो उसके साथ अगर सिंपल ट्राउज़र है तो सिंपल ट्राउज़र का जो फैब्रिक है वो आप शर्ट में यूज़ कर लीजिएगा, या फिर अलग से भी आप फैब्रिक ले सकती हैं। तो प्रिंटेड पर एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के ऊपर आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। अब हमने इसको इस तरह से पलटा लिया। अब इसकी जो पट्टी की सिलाई है उसको सेंटर में रखते हुए इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर प्रेस कर लिया फैब्रिक पट्टी को। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 2 इंच तक लंबाई में इसके पीस कटिंग करने हैं। अब इसी का हम साइज लेते हुए इसके काफी सारे पीस जो है यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो अभी इनको साइड पर करते हैं और यहाँ पर अब हम एक पेपर लेंगे। पेपर की चौड़ाई मैंने 2 इंच तक लिया और लंबाई आप अपने दामन के हिसाब से लीजिएगा। पेपर की लंबाई जितना आप लोगों ने अपना दामन रखा है उसी हिसाब से लीजिएगा। अब हमने इस पेपर के ऊपर इन जो पट्टियाँ यहाँ पर रेडी की हैं इनको स्टिच करना है। इसकी जो सिलाई वाली साइड है वो नीचे पेपर की तरफ रखनी है और सिंपल वाली प्लेन वाली साइड ऊपर की तरफ, और साइड से एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच करना है। यहाँ पर पट्टियों को बिल्कुल साथ साथ रखते हुए सिलाई लगानी है। पट्टियों के सेंटर में बिल्कुल भी फासला नहीं रखना। ये देखिए, साथ साथ रखते हुए इन सारी पट्टियों को स्टिच कर लेना है। फिर आप दूसरी साइड से भी इस तरह से सिलाई लगानी है। जो कम से ज़्यादा पट्टी होगी वो बाहर निकाल देंगे और बिल्कुल सीधी हम सिलाई लगा लेंगे। फिर दोबारा से फिर हमने बुकरम पेपर लिया, इसकी चौड़ाई और लंबाई भी पहले वाले पेपर के जितनी ही है। अब इसके ऊपर भी हमने ये देखिए यही पट्टी को स्टिच करना है। रफ़ वाली साइड जो सिलाई वाली साइड वो नीचे पेपर की तरफ रखनी है, सिंपल वाली प्लेन वाली साइड ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर पट्टियों के सेंटर में एक पैर का फासला रखना है। पहले जो पट्टियाँ हमने लगाई वो हमने बिल्कुल साथ साथ रखते हुए लगाई हैं ये, लेकिन यहाँ पर जो पट्टियाँ अटैच करनी है वो एक पैर का फासला रखते हुए अटैच करनी है, बिल्कुल साथ साथ जोड़ कर नहीं रखनी। अब इसको भी ये देखिए कम ज़्यादा फैब्रिक निकाल कर बिल्कुल सीधी बराबर फैब्रिक रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने दोनों तरफ से इस सिलाई से तकरीबन 1/2 पैर तक फैब्रिक छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक और पेपर वगैरह होगा वो दोनों साइड से इस तरह से कटिंग कर लेना है ताकि ये हमारी नीट जो पट्टी है वो रेडी हो जाए। रफ वगैरह सारा हम इसका कटिंग करके फैब्रिक पट्टी सब कुछ कटिंग कर लें। तो ये दो पट्टियाँ हमारी जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अभी इसके अगले डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमने दोबारा से फिर फैब्रिक पट्टी लेनी है, इसकी चौड़ाई 3 इंच तक लेनी है और लंबाई आप लोगों ने अपने दामन की जितनी लेनी है। ये दो पट्टियाँ लेनी है और दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम लेना है, लंबाई का भी और चौड़ाई का भी। अभी एक पट्टी हम लेते हैं और इसको हमने इस तरह से हाफ करना है और इसके सेंटर में हमने एक पिनटक्स डालना है। पिनटक्स की जो सिलाई है वो आप लोगों ने किनारे किनारे पर रखनी है। फिर हमने इसके सेंटर में ये पिनटक्स आ गया ना, अब हमने इसके एक साइड पर ये देखें 1/2 इंच का फासला छोड़कर फिर हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब दूसरी साइड पर हमने ये देखें दूसरी साइड पर अब 1/2 इंच का फासला रखते हुए इस तरह पिनटक्स डाल लेना है। तो ये टोटल सेंटर में 3 पिनटक्स आ जाएंगे। एक सेंटर में हमने डाला और 2 पिनटक्स वो साइड पर डाले हैं और 1/2 इंच का फासला रखते हुए डाले हैं। तो अब तीनों पिनटक्स हमने डाल ली हैं। अब हमने इन तीनों पिनटक्स का रुख एक तरफ कर लेना है और इसे अच्छी तरह से प्रेस से बिठा लेना है। ऐसे ही जो दूसरी पट्टी हमने ली थी दूसरी पट्टी के सेंटर में भी ऐसे 3 पिनटक्स डालकर दोनों को प्रेस कर लेना अच्छी तरह से। तो दोनों जो एक फैब्रिक पट्टी को हमने इस तरह से
प्रेस कर लिया। अब हम इसके साथ जो हमने पट्टियाँ पहले रेडी की थी उनको अटैच करते हैं। ये देखें, अभी ये वाली हमने इसके जो पिंटस का रुख इस तरफ दामन की तरफ करना है, नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ हमारी शर्ट के साथ अटैच होनी है ना। तो हम इस तरह से पिंटस वाला फैब्रिक नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम ये पट्टियों वाला फैब्रिक रखेंगे और हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर वैसे आप पिंटस देख कर ही स्टिच कीजिएगा कि पिंटस का रुख दामन की तरफ ही रहे, लेकिन अगर कम पिंटस आपके ख़राब भी स्टिच हो जाते हैं ना तो कोई मसला नहीं, बाद में आप प्रेस से पिंटस का रुख दूसरी तरफ कर सकती हैं। मतलब अगर ऊपर को हो गया रुख तो फिर आप मोड़कर नीचे की तरफ भी कर सकती हैं, प्रेस से वो आराम से हो जाता है, उसका रुख सही हो जाता है पिंटस का। अब यह देखें, दूसरी तरफ भी स्टिच कर लिया, फिर सीधा करना है, किनारे की सिलाई लगानी है, फिर आगे की तरफ पिंटक्स वाला फैब्रिक इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पर भी ये देखिए, हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है और इसे सीधा करना है, किनारे की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इतना हमारा डिजाइन रेडी हो गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं। और अभी आप यहाँ पर पिंटक्स का रुख देखें, ये देखें इस तरफ है पिंटक्स का रुख दोनों का। अब इसकी अगली डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फैब्रिक मैंने लिया 2.5 इंच चौड़ाई में और 2.5 इंच लंबाई में। ये देखें, डबल फैब्रिक लिया। अब एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने इसको चारों साइड से स्टिच कर लेना है। अब चारों साइड से स्टिच कर लिया। अब इसको इस तरह तिरछा फोल्ड करना है और इसको सेंटर से इस तरह से कटिंग कर लेना है तिरछे रूप में। फिर नोक से हल्का सा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे ताकि इसकी नोक अच्छे तरह से निकल आए, गोल इसकी नोक ना बने। फिर हमने इसे पलटाना है और कैंची की नोक की मदद से हमने अच्छी तरह से इसकी यहाँ से नोक निकाल लेनी है। अब ये ट्रायंगल हमारे जो स्टिच हो गए हैं, गुम स्टिच हुए हैं, सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका अंदर है। अभी हमने इसकी नोक को इस तरह से और इस तरफ से भी नोक को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ये वाला ट्रायंगल भी लेंगे, इसकी नोक को भी इस तरफ से और फिर दूसरी वाली नोक को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये वाला डिज़ाइन जो है वो हमने रेडी कर लिया। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। ऐसे ही आप लोगों ने बाकी जो फैब्रिक है इसको भी लेना है और चारों तरफ से स्टिच करना है, फिर तिरछा कटिंग करना है, पलटाना है, सीधा करके ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो ये काफ़ी सारे इस तरह से ट्रायंगल के डिज़ाइन रेडी कर लिए हैं। अब फिर से मैंने पेपर लिया, इसकी चौड़ाई भी 2 इंच तक लिया और लंबाई मैंने उतनी लिया जितना कि मैंने अपना दामन को तैयार करना है। तो आप लोगों ने भी इसकी लंबाई तैयार दामन की जितनी लेनी है, जितनी भी आप लोगों ने दामन की अपनी विर्थ जो वो तैयार करना है उतना ही आप लोगों ने ये डिज़ाइन को बनाना है। अब यहाँ पर सबकी नोक को चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल बराबर हो, कोई कम ज़्यादा हो। आप लोगों ने सिलाई से इस तरह से बाहर निकाल देना है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और अपने तैयार माप के मुताबिक इन सब को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर भी एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक और पेपर वो हमने कटिंग कर लेना है सिलाई से एक्स्ट्रा। अब ये डिज़ाइन हमारा इतना रेडी हो गया। अब जो हमने पिंटक्स हैं उनके साथ इसको अटैच करना है, तो इसके सेंटर में भी हमने इस तरह से निशान लगा लेना है और पिंटक्स वाला जो फैब्रिक है इसके सेंटर में भी इस तरह से निशान लगा लेना है ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में स्टिच हो। फिर पिंटक्स वाले फैब्रिक को सीधे रखेंगे और इसको पेपर वाले फैब्रिक को डिज़ाइन को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। फिर इसे भी सीधा करके यहाँ पर भी किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इतना हमारा बॉर्डर रेडी हो गया। अभी हम इसकी बॉर्डर की लेंथ मेजर करते हैं, उसी हिसाब से हम शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। तो ये तकरीबन 7 इंच तक तैयार हुआ है, तो इसी हिसाब से आप अपनी शर्ट को लेंथ में कम कटिंग कर सकती हैं।
अब शर्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर डिजाइन को उल्टा करके रखना है और यहाँ पर भी हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच कर लेना है। फिर इसे सीधा करना है और यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसकी उल्टी वाली साइड पर जो पेपर लगाया है ये वाला सारा पेपर भी हमने निकाल देना है। अब ये यहाँ पर हमने सुई में अब डबल धागा डालना है और ये वाली जो आपस में जुड़ी हुई पट्टियाँ थी ना इनमें से आपने एक पट्टी के सेंटर में इस तरह से टांका लगाना है, फिर छोटी छोटी चुनट्स डालनी है और फिर आप इन चुनट से दोबारा टांका लगा लीजिएगा। इस तरह से ये हमारा एक इस तरह से ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा, चुनट सेंटर में आ जाएंगी पट्टी के। फिर इसके ऊपर आप लोगों ने छोटे साइज़ का कंट्रास्ट कलर का एक पर्ल अटैच कर लेना है। ये देखिए फिर हमने दोबारा से फिर इस पर्ल में से धागे को गुजारना है ताकि अच्छी तरह से ये हमारा पर्ल साथ अटैच हो जाए, निकले नहीं। फिर उल्टी वाली साइड पर इस तरह से गिरा लगा लेनी है। ऐसे ही आप लोगों ने आगे की तरफ ये सारी फैब्रिक पट्टियां लेते जाना है और इसके सेंटर में इसी तरह से चुनट्स डालते जाना है और फिर इसके ऊपर पर्ल्स अटैच कर लेने। ऐसे ही हम सारा डिज़ाइन जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। आप लोग अपनी शर्ट के दामन पर इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकती हैं, पहनी हुई भी इस तरह की शर्ट बहुत अच्छी लगती है। शर्ट की लेंथ कम है तो आप लोग ये वाला डिज़ाइन लंबाई में बनाकर अपनी शर्ट की लेंथ बढ़ा सकती हैं। वैसे भी आप अपने प्रिंटेड सूट पर एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के ऊपर ये वाला डिज़ाइन ट्राई कर सकती हैं। डिज़ाइन की मुकम्मल स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद दामे डिज़ाइन आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।